नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे साथ गठबंधन प्रत्याशी गुड्डू पंडित मौजूद हैं। आइए जानते हैं उन्होंने आगरा में आकर किस प्रकार प्रचार किया और क्या रहा उनके जीवन में, प्रचार करते समय किन किन अनुभवों का सामना किया। सर, आप आगरा में आए और आगरा में आपने प्रचार किया, चुनाव प्रचार अब खत्म हो गया है, तो ऐसे में आपको लोगों का फतेहपुर सीकरी की जनता के बीच किस प्रकार का प्यार मिला, कैसा? भरपूर प्यार मिल रहा है। कैसा अनुभव रहा आपका? इतना प्यार तो कहीं नहीं मिला जितना यहाँ मिला है। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जनता की तरफ से, और जितनी यहाँ पर कमियाँ हैं वो सब मुझे मिली हैं। और जनता को पूरा विश्वास है कि भाई यहाँ का नमक खाया है, पानी भी पिया है, तो गुड्डू पंडित कर चुका है, बिगर नहीं लौटेगा यहाँ से जब तक जनता का कर्ज नहीं चुका देगा। वैसे तो कोई चुका नहीं पाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा चुकाने की। आप गांव-गांव गए, गांव-गांव लोगों से मुलाकात की, तो किस प्रकार लोगों का अनुभव रहा आपको, आपको किस सीखने को मिला, आपने कुछ संदेश दिए लोगों को, क्या रहा? देखिए, हम ब्राह्मण हैं, सत्य प्रेम करुणा को प्रभाषित करने आए हैं, वही हमने अपनी तरफ से बांटने की कोशिश करी है। और जनता का दुख दर्द हमारा दुख दर्द है, और जनता जितनी पीड़ित है पानी से और बिजली से, तमाम असुविधाओं से पीड़ित है क्षेत्र की जनता, क्योंकि नेताओं ने कभी लौट के क्षेत्र में प्यार नहीं दिया जनता को। वोट तो लेके चले गए, सांसद भी बने, मंत्री बने, सांसद भी बने, लेकिन जनता को कुछ नहीं दिया, ना प्यार दिया, ना विकास दिया, कुछ भी नहीं दिया जनता को। मतलब इवन गांव का विकास भी एज इट इज जो था वो ऐसे ही पड़ा है, नालियाँ भरी पड़ी हैं गाँव में, गंदगी है, मच्छर हैं, तमाम उसी हालत में है, किसान भी परेशान है। ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति रही जिस कारण आपने राज बब्बर को पीटने की बात कही, समर्थकों को पीटने की बात कही? देखिए, परिस्थिति आदमी की चालक है, और कठिनाई आदमी को कठोर शब्द बोलने पर बाध्य कर देती है, फिर आदमी अच्छे बुरे का विवेक गवा देता है। और परिस्थिति जब मेरी तरह बिलक परिणाम जीवन में लाने लगती है, तो मैं ही नहीं, त्रेता का परम ज्ञानी भी मानस में विचलित हुआ है, राजे महाराजे अपने घर भाग जाओ, लिखा न विधि वैदय विभव। परिस्थिति आदमी की चालक है, और कठिनाई आदमी को कठोर शब्द बोलने पर बाध्य कर देती है, फिर आदमी अच्छे बुरे का विवेक हो। कल आगरा में आपकी एक रैली हुई, विशाल रैली हुई, जिसमें मायावती जी को आना था, मगर मायावती जी नहीं आई किसी कारणवश, तो उनके भतीजे विजय आनंद जो आए, वो आकाश आनंद जो आए, तो वो कैसे आप उनका कितना आपकी आपके ही पक्ष में उन्होंने अपील की, तो वो उनसे आपको कितना बेनिफिट मिलने की संभावना है? बेनिफिट क्या होता है, हमारे नेता हैं और बहन जी का आदेश का पालन किया है सबने, तो उनके आने से बहुत नहीं बहुत कुछ फायदा हुआ है। सीट एक तरफा करके चले गए, वो युवा थे और युवाओं में जोश आ गया, युवाओं में जोश आ गया, नहीं वो उनकी ये पहली जोश है, युवाओं में जोश है और रोष भी है, क्यों बहन जी नहीं आई, चुनाव आयोग ने रोका, इसके लिए रोष भी है और युवाओं में जोश भी है। नहीं, उन युवाओं में पहली बार उन्होंने रैली की और आपके पक्ष में ही रैली की, तो उससे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, उसी को तो कहते हैं ब्राह्मण भाग्यशाली होता है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। आनंद आनंद